जनित हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग शिप के कैबिन में हैं, वो वाला नीला नीला देखा जी। और चूंकि कूलर का पहले था तो उसके बाद में बिटी आई जब विदेशी सी लगवाया यहाँ पर, क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना है। हमने एक अच्छा बहन जी बना दिया था, ये पार्लर अभी दिखाएंगे बहन जी। अच्छा पार्लर मैंने बनाया था कि कस्टमर आवे और ऐसे सर उठावे तो ऊपर नारियल उठो नजर आवे, ऐसा सीन मैंने बनाया। लेकिन हमारी लड़कियां जो हैं वो सब पर्दा और शीशा लगा के हमारा सब कबाड़ा ढीला किया और वहाँ गुसल खाना और पता नहीं कौन कौन क्या बनवा दिया। हमने कहा जिसके बाद इसकी जगह हो, इतना सुंदर सब इसका नाम इसका था पार्लर था। और पार्लर बनी चला है कि जो ही साल के अंदर दोनों की शादी हो और जो ये दोनों बाहर, अब हम अकेले आदमी हम बताइए अंदर क्या कर सकते हैं। वाइफ पुराने जमाने की, ये भी पढ़ाने जाती थी, ये अध्यापिका थी प्राइमरी में। अब अकेले हम कहिए पार्लर में कोई ब्यूटी पार्लर की लड़की भेजा। अरे सर यहाँ कोई संभालने वाला हो तो हम तो बड़े आभारी होंगे। हमारे यहाँ कोई आता है उसी को हमें चार तनख्वाह का दे देंगे, जितना इनकम होगी उसके 1/4 तनख्वाह हो गई, 3/4 आपको इस तरह जी। ठीक है 1/4 लड़की का, 3/4 आपका। अरे नहीं 1/4 नहीं 1/3 हम दे देंगे उसको, वो आवे तो कोई करेगा जैसे। हाँ मतलब जितनी इनकम देगी उसको उसका बढ़ाते जाएगा। जी 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 वो तो खैर बढ़ता ही जाएगा, वो तो बड़ी अच्छी चीज़ अगर ऐसे में लोग मिल जाए। हालांकि अब अगले साल से बेटी यहाँ रहने के लिए प्रयास करेगी। हाँ क्योंकि ये बिल्कुल पता है बिल्कुल चौपा चौपड़ा लाइब्रेरी में एक नेमत था अभी, मतलब नेचुरल यहाँ हद हमारी यहाँ इसी जड़ी बूटियाँ रहेंगी लगी हैं कि जैसे आपकी वो एक है हमारे यहाँ विक्स वाली तुलसी, जरा सा हाथ में लगाइए और फेशियल करने चलिए तो पूरा चेहरा जो है वो यानी कस्टमर इतना खुश हो जाता है। और एक सचिन जज साहब थे, उनकी मिसेज को मुरादाबाद जाना था दिसंबर का महीना और रात में 12 बजे फोन करती हैं कि बाबा जी हम कैसे हमारा काम होगा। हमने कहा बिल्कुल आइए तो, और जो लड़की काम उस समय हमारी बेटी कोची थी केरल, फिर लड़की जो वर्कर थी उसको मैं बुलाने गया सुबह 4 बजे, उसको मैं स्कूटर से लेके आया 4 बजे दिसंबर का महीना, और उनका मेकअप वेकअप सब उसने किया। हनुमान जी कहाँ जा गए? अब ये वही ये छोटा वाला फोटोग्राफर है, बाहर भेजिए। माना बाहर जो है उसका गेट खोल दो, जहाँ कार खड़ी है ना तो बाहर के लोग उसमें आराम से बैठ जाए, अंदर बैठा दो। तो अकेले सर कहाँ रोज बंदर रोज यहाँ वहाँ बाहर का, रात में हमारे यहाँ सब होता है। सीढ़ी एक दो तैयार किए हैं, देखिएगा बताइए, गधों को भोज भी करा रहे हैं। हमारा ये बड़ा जो लाती है उसको हंसी आ गई, कैमरा उसने हिला दिया, यानी गधे ने 2 लात यहाँ हमको लगाई अभी 5-6 महीने 2-3 महीने पहले ही बात, और हंसा बड़े जोर से और कैमरा हिल गया लेकिन आ गया। तो गधों की लात खाते हुए भी मेरे पास बुजुर्ग सीढ़ी रखी हुई है, अब इतने ज्यादा हम प्रमाण क्या देते। जो था SMS वाला मैसेज में से एक आदमी गिर गया, तो गधा खड़ा हुआ था तो गध के पास गिरा जाकर तो लड़की ने पूछा कि भैया ये तुम्हारे बड़े भाई साहब ने क्या बैंक छुड़ हो गया, तो क्या नहीं मेरे बड़े भाई साहब नहीं भाभी। भाभी जी कह दिया बंद हो गया। वहाँ चलेंगे क्या राहुल के पास? राहुल का देखते हुए वो तो वही आपके जहाँ पे बंगले के पास में ही बसता है, वहाँ राहुल के पास चलिए। 12 बजे कोई बचत भवन में मीटिंग है, डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम, मैं उसी रेंज में निकल जाता।